नमस्कार दोस्तों, दास सर्विस सेंटर चैनल में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक सैमसंग का 32 इंच LCD टीवी है और ये टीवी में प्रॉब्लम है, नो डिस्प्ले का पिक्चर नहीं आ रहा है, पिक्चर भी नहीं है, डिस्प्ले भी नहीं है, बैकलाइट भी ऑन नहीं हो रहा है। उसका मतलब है ये पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है, पावर में ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिए, जो न्यू टेक्नीशियन भाई लोग है। और आप लोग का बहुत सारे कमेंट भी है, सर आप पावर सेक्शन का बारे में कुछ बताइए और पावर सेक्शन का वीडियो भी आप बनाइए। तो दोस्तों, आज पावर सेक्शन का फॉल्टी एक टीवी आया मेरे पास और ये टीवी का वीडियो मैं आप लोग का साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि पावर सेक्शन का फॉल्ट होने से क्या चेक करना चाहिए, कैसे इसको रिपेयर करना चाहिए, उसका बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आखिर में कहाँ पर ये फॉल्ट बना हुआ है, ये मैं आप लोग को इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल में नया आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी करना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए उसका मॉडल नंबर UA32FH4003R, ये सैमसंग का है दोस्तों। को रख देता हूँ और ये पॉजिटिव लाइन है, ये नेगेटिव लाइन है। तो देखते हैं अभी लगाकर, ये देखिए ये शॉर्ट बता रहा है और मीटर में आवाज़ भी आ रहा है, शॉर्ट बता रहा है। तो दोस्तों, ये जो डायट है, ये डायट शॉर्ट हो गया और इसमें दो डायट लगाया है, एक ही लाइन में दो डायट लगाया है, ये देखिए आप लोग अच्छा से। तो एक ही डायट से ये चले गया, लेकिन ये अगर ठीक होगा तो फिर ये दूसरा डायट को भी लगाना होगा। ऐसे सिंगल में चलेगा लेकिन लास्टिंग नहीं होगा, इसमें और प्रॉब्लम है कि नहीं ये देखना है। अभी 12 बॉल बन रहा है कि नहीं ये देखना है। तो मैं प्लग को लगा रहा हूँ दोस्तों, ये मैं प्लग को लगा दिया और ये मीटर को भी ये जगह पर सेट करते हैं। और वोल्टेज को देखना है, सप्लाई मेन प्लग लगा दिया और अभी देखना है 12 वोल्ट इन हो रहा है कि नहीं, सॉरी आउट हो रहा है कि नहीं, ये वोल्टेज देखना है। तो ये मैं लगा रहा हूँ देखिए, और ये देखिए ये 13.14 ये बल्ब बता रहा है, ये आउट हो गया। तो दोस्तों, ये 12 वोल्ट का सप्लाई जो है ये आउट हो गया। तो देखिए अभी ये जो वोल्टेज है ये तो आउट हो गया और बैकलाइट का वोल्टेज भी देख लेना चाहिए फिर से। तो ये देखिए ये
100 से ऊपर होगा दोस्तों तो ये वोल्टेज ओके है। तो दोस्तों आप लोग को ये तो पता चला ये प्रॉब्लम कहाँ से आया। देखिए ये डायोड जो शॉर्ट निकाला, अभी जो डायोड शॉर्ट था वही से ये प्रॉब्लम आया और 12 वोल्ट आउट नहीं हुआ, ये डायोड शॉर्ट हो गया। लेकिन अभी देखिए ये जगह पर एक ही डायोड से टेस्ट किया है, लेकिन वो अलग से एक डायोड को फिर लगाना होगा, नहीं तो ये डायोड ज़्यादा लास्टिंग नहीं होगा। ये डायोड को सेम टू सेम एक डायोड लगाना होगा और लगाकर फिर पावर को अच्छा से चेक करेंगे, चेक करके फिर मदरबोर्ड को, मेरा मतलब टीवी को चेक करेंगे टीवी में और कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। लेकिन दोस्तों पावर सप्लाई बनाने का बात ही अच्छा से वोल्टेज एम्पियर ये 12 वोल्ट का है, लेकिन एम्पियर 1 एम्पियर से ज़्यादा होगा, एम्पियर कम होगा तो पैनल में दिक्कत आएगा, मदरबोर्ड में दिक्कत आएगा, साउंड में दिक्कत आएगा। साउंड वोल्टेज अगर एम्पियर कम होगा तो साउंड उठाने से ये कभी कभी टीवी भी ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ जब भी पावर सप्लाई बनाए, पावर सप्लाई बनाकर अच्छा से चेक कीजिए और एम्पियर, ख़ास तौर पे एम्पियर को अच्छा से चेक कीजिए, ये एम्पियर कितना ले रहा है। तो देखिए दोस्तों ये पावर सप्लाई पूरा ओके हो गया, अभी ये मदरबोर्ड को चेक करेंगे ये ठीक है कि नहीं। अभी तो पहले ये देखिए ये बैकलाइट का कनेक्टर है, ये बैकलाइट का कनेक्टर को पहले लगाएंगे अच्छा से, ये लग गया। और ये देखिए ये जगह पर आया एक कनेक्टर जो मदरबोर्ड में आया, उसको भी लगाना चाहिए। और खुलने का टाइम में याद रखिए ये कौन सा पोजीशन में लगा हुआ है, ऐसा डालने से नहीं होगा, इस ये पोजीशन में लगना चाहिए, क्योंकि इसका पोजीशन देखिए ये मार्क दिया हुआ है, ये देखिए तो ये ऊपर साइड में है ये मार्क, तो उसका भी ये जो जैक सॉकेट है ये भी ऊपर में होना चाहिए, ये देखिए ये भी ऊपर में होना चाहिए। तो उसको अच्छा से लगा देते हैं और लगाकर ये दोस्तों लग गई अच्छा से, ये देखिए। और अभी टीवी को एक बार चला के देखते हैं, ये प्लग में लगा रहा हूँ, और ये देखिए ये लाइट भी, ये देखिए ये बैक लाइट ऑन हो गया, ये देखिए बैक लाइट ऑन हो गया। तो अभी इसका डिस्प्ले में देखते हैं, इसका डिस्प्ले में क्या रिजल्ट आया। तो ये देखिए ये पूरी अच्छा से ये बन गया दोस्तों, उसमें और कुछ फॉल्ट नहीं है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा फॉल्ट था, और आप लोग का भी कमेंट था सर पावर सेक्शन का बारे में बताइए और पावर सेक्शन का वीडियो भी अपलोड करिए, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग का साथ शेयर किया। वीडियो देख के अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना, और चैनल में नया आया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।